का उत्तर प्रदेश के लिए कमेटी भी गठित करी गई। एक पंथ दो काज कहा गया है, कभी भी क्या उसी को साफ करने के लिए इसमें कोशिश भी हमारे लिए हमने लगभग चार पाँच दिन पहले एक हफ्ता पहले हमारे बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन था कि इस तरह पोर्टल के द्वारा इसमें सबका हो रहा है हमारा अपने ऑफिसियल अपने यूट्यूब चैनल से सारी बातों का स्पष्ट कर दिया सरकार। आप सभी लोग सुने थे उसको जी 13-14 मिनट का हुआ पूरा सुने थे कि आधा मिनट पूरा सुने है ना सब बातें हम लोग यहाँ आने से पहले सीतापुर सहागंज हरदोई बलरामपुर लखीमपुर उस तरफ के बहुत सारे लोग दो चार पांच बस से भी आए एक से सात लोग कार्यक्रम के बाद बस में ही मीटिंग बस में कुछ मिल लोगों को एक बस पर बिठा करके बस में मिलेगी। तो हम लोगों ने तय किया कि हम यहाँ से कुछ दिन बाद आसाम जा रहे हैं और आसाम में एक तारीख से 1 नवंबर से हम लोग वहाँ पर बात करें वहाँ सब तैयारी चल रही है और सबसे खुशी की बात है कि पूरे एनएफआर प्रत्येक माल गोदाम में रेलवे द्वारा ऑफिस भी तुरंत दे दिया गया। प्रत्येक माल गोदाम में अपना ऑफिस निर्माण के लिए भी जगह दे दिया गया। तत्काल लोग जो है वहाँ पे चूंकि आसाम तरफ हम जब जाएंगे ना तो वहाँ पे मतलब हम लोग का जो स्किल का चादर होता है टीम को उससे बना करके अपना संगठन का सब बैनर पोस्टर लगा के सभी लोगों ने वहाँ पर कर लिया है और कटिंग है कोटी गुवाहाटी बीजी है ये 2-3 माल गोदाम का लेकर के हम लोग वहाँ पर टाइम शुरू करें। 1 तारीख से वहाँ होगा तो फिर 2-3 दिन बाद दीपावली आए तो हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है सब लोग कहीं कहीं भोग रहे। इसलिए हमने ये तय किया कि 6 तारीख से हम लोग सीतापुर शुरू करें सीतापुर हरदोई बलरामपुर और अभी हमारे संतोष जी से बात हो रही थी और हम लोग बैठे थे समय का कोशिश हमारी कि 6 तारीख की वहाँ शुरू होता है तो 7 या 8 तारीख से गोरखपुर में हम लोग शुरुआत इस जून का हम करने का काम करेंगे। 1 तारीख से 7 या 8 जो बैठ बैठ कर हम तय हो जाएगा जो भी यहाँ है तो गोरखपुर नखरा जंगल जो हमारा है और नखरा जंगल उसके बाद फैलाबाद जितने भी इस तरफ